हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और देखिए, ये है दिवाली का वीडियो और आप सबको दिवाली की हार्दिक बधाई। और ये वीडियो आप लोगों के पास बहुत लेट ही पहुँचे कपड़ों से लेट ही आएगा। और दिवाली वाले दिन का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं और हम आए थे खेत में बनी पूड़ी लगाने के लिए, क्योंकि हमें कटवानी है शादी, तो लगा लेते हैं पूड़ी। और फिर भाई देखो, खेत का काम करने के बाद पूड़ी वगैरह लगाने के बाद, मतलब आधी पूड़ी लगा दी, आधी बच गई, आधी कल लगा लेंगे, मतलब दिवाली के अगले दिन गोवर्धन को, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा नहीं होती, ना हम गोवर्धन मनाते हैं कभी, क्योंकि ना हमारे मायके में मनाते हैं कोई भाई, और नहीं हमारे ससुराल में कोई भी गोवर्धन नहीं मनाते। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं वैसे भी हम करते हैं। तो फिर हम आ गए थे घर, और घर कुछ काम तो भई करके ही गए थे, कुछ थोड़ा बहुत वो आके कर लिया, और काम तो इतने हो जाते हैं भई, बहुत ज़्यादा काफ़ी काम हो जाते हैं। फिर मम्मी इस चूल्हे को ठीक करने लग गई थी, ये पहले किया था ठीक, पर पता नहीं क्या बात है अब की बार चूल्हा मतलब ठीक सा ही नहीं हुआ। मतलब ये जब मम्मी ने बनाया ना, तो इस ये थोड़ा सा चौड़ा रह गया था, तो मतलब इस पर अच्छे से नहीं जचता। कर तो दिया ही मम्मी ने, पर अभी भी ये फ़िलहाल ठीक नहीं हुआ। मैं कहते अब भी नहीं हुआ, तो फिर देखेंगे, फिर करेंगे भाई, कोशिश हार नहीं माननी है। तो मम्मी करने लगी थी इस चूल्हे को ठीक, क्योंकि भाई त्यौहार है तो त्यौहार पे सब काम साफ सफाई के सब कुछ कर रहे हैं, तो चूल्हे को भी करना चाहिए। और मेरा हो गया था थोड़ा सा बिपी लो, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, फिर नमक वगैरह लिया, फिर मैं थोड़ी देर बाद ठीक हुई, फिर मैं नहाई धोई, 2 बज गए थे, फिर नहाने धोने के बाद फिर भाई हमने बनाए थे दोपहर के टाइम पकौड़े, ब्रेड पकौड़े वगैरह ये बना लिए थे, तो सबने खा लिए और सब नहा धो लिया, मम्मी नहा ली, बच्चे भी नहा लिए, कपड़े वगैरह धो लिए, मतलब सारा काम कर लिया है। 2:30 बजे मतलब नहाई धोई थी मैं भी, 3 बज गए थे शायद। और फिर मैं ये इधर बाती बनाने लगी थी, मम्मी अपना शानी वगैरह का काम कर रही थी, तो मैंने ये बाती बना लिया। फिर भाई चाय का टाइम तो था ही, तो बस चाय की भी बना ली थी थोड़ी पहले ही, और चाय पकौड़े सबने खा लिए हैं, पकौड़े बनाए थे। मम्मी बर्तन धो रही है और इनके हमने बनाए थे ये और अब बनाएंगे पनीर पनीर की सब्जी। बंद कर दो। हाँ। और देखिए बर्तन वगैरह करने के बाद फिर झाड़ू लगा करके और फिर मैं करने लगी थी अपनी सब्जी की तैयारी। तो मैंने कहा चलो पनीर कट करके रख लेते हैं, टमाटर कट करके रख लिए, प्याज कट कर ली, और ये पनीर लेके आए थे। मतलब पापा बोले कि भाई पनीर की सब्जी बनानी है, तो मैं इस ये था अमूल का पनीर, तो तीन पैकेट थी छोटी वाले, तो वो तीनों मैंने कट कर लिए हैं, और ना बड़े काटे ना छोटे, सही से कट लिए हैं। और फिर मैं इनको करने लग गई हूँ फ्राई, आज बनाऊंगी मैं फ्राई करके पनीर की सब्जी। और ये दूध रखा हुआ था मलाई वाला, ये रखा था मैंने पनीर में डालने के लिए। और देखिए पनीर की सब्ज़ी अच्छी बनती है, जब फ्राई करके बनाते हैं तो भी अच्छी बनती है, और जैसे मलाई वगैरह डाल देते हैं ना, दूध दही नहीं डाला था मैंने, आज मैंने दूध डाला था भाई, कभी कभी मैं दही भी डाल देती हूँ तो अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो तेल तो था कुछ इसमें, कुछ और ले लिया, अब ये गर्म हो गया तेल, तो इसमें डाल दिया मैंने 1 तेज़पत्ता और भाई जीरा, जब जीरा मेरा अच्छा से भुन गया था, और साबुत धनिया जीरा और 1 तेज़पत्ता, मतलब साबुत धनिया को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देता। फिर इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी 1 प्याज, वैसे 1-2 प्याज वैसे कट करके रखी थी मतलब छौंक के लिए, और 2 प्याज मैंने पेस्ट बना लिया था, और 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया था। फिर डाल दी मैंने अपने पेस्ट किए हुए, पहले प्याज डाली, प्याज अच्छे से जब मतलब पकी, फिर उसमें डाल दी मैंने टमाटर, और टमाटर फिर थोड़ी देर पकाऊंगी, उसके बाद डाल दी मैंने अपने सभी मसाले वही अपने भाई सिंपल, हल्दी, नमक, मिर्च,
धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल दिए और अब इनको पकाऊंगी। मसाला अच्छे से पकाने के बाद फिर इसमें थोड़ी सी डाल दी थी मैंने भाई कस्तूरी मेथी। तो देखिए मसाला मेरा अच्छे से पक कर ग्रेवी तैयार हो गई है। फिर डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा मलाई वाला दूध। अब इसको पकाऊंगी थोड़ी देर, ये पकने के बाद फिर डाल देंगे इसमें पनीर। तो भाई हम तो ऐसे बनाते हैं, मैं तो हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। और भाई देखो कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सब्ज़ी अच्छी बनती है, परफेक्ट बनती है, नहीं कभी अच्छी भी बन जाती है, कभी कभी कुछ अलग भी बन जाती है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो बस सब नींद आ रही है सब चीज़ें डाल दी है और बस अभी इसको थोड़ी देर और चलाऊंगी, क्योंकि भाई बिल्कुल मतलब थोड़ी सी कहते हैं ना घुटमा घुटमा सी सब्ज़ी ये अच्छी लगती है। पनीर की मटर वगैरह था नहीं तो समझ लो इसका ही पनीर बना दिया मैंने। तो बस अब थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी, 5 मिनट ही रखूँगी, 5 मिनट थोड़ी स्लो गैस कर देंगे और ये पक जाएगा, फिर और काम करेंगे। तो भाई ये देखो मेरी सब्जी 5 मिनट बाद मैंने देखी तो बस बनके तैयार हो गई। और इसका कलर ना लाइट की वजह से थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, बाकी कलर भी बहुत अच्छा आया था और सब्जी भी बढ़िया बनी थी। और देखिए सब्जी बनाने के बाद और हम चल दिए हैं भाई कोसली, कोसली हम जा रहे हैं अपने सेंटर पर दिए लगा के आएंगे, और कोसली आश्रम है हमारे महाराज जी का, वहाँ भी दिए लगा के आएंगे। और पापा चले गए थे खेत में भाई, खेत में और जहाँ भी भैया और देवता वगैरह पर जहाँ भी दिए लगाए जाते हैं पापा लगा के आएंगे उधर, और मैं और डुगो के पापा आ गए थे इधर। तो मम्मी बोली तब तक मम्मी दूध निकाल लेगी और हलवा बना लेगी, तो भैया हमने तो ऐसे ही किया था। तो शिल्पा बता दी भाई थोड़ा बहुत केक मिल उसको केक बनाया जाके, और अब हम पहुँच गए कोसली। और ये देख लो भाई ये हमारा सेंटर है, कोचिंग सेंटर, दिखा देते हैं आप सबको, हमारा खुद का है ये डुगू के पापा का। और बस यहाँ हम दिया लगाएंगे और घी के दिए लेके आए थे हम, और घर भी हमने लगभग तेल के कम घी के दिए ज़्यादा चढ़ाए थे। तो यहाँ चढ़ा रहे हैं डुगू के पापा दिए ना बहुत दर्द। और देखिए अब आ गए हैं हम अपने महाराज जी के आश्रम में, राधा स्वामी महाराज जी हमारे जो आश्रम में, और ये बाबा यहीं पे रहते हैं आश्रम में। और बस हम इनसे कुछ बातें कर रहे हैं और इधर लगाएंगे फिर ये जो स्टेज है जो सत्संग वगैरह होता है ना, तो यही स्टेज पर ही महाराज जी सत्संग देते हैं। तो यहाँ लगाएंगे हम दिया, मैं इधर लगा दूंगी और डुगू के पापा लगाए गए यहाँ पर सीढ़ियों पर लगा देंगे। मोमबत्ती लेके आए थे हम तो मोमबत्ती लगा देंगे। तो वही बहुत अंधेरा हो गया था हमको वहीं पे, घर से फ़ोन आने लगा कि कब तक आओगे लेट हो गए, क्योंकि घर से ही लेट निकले थे भाई। और शाम का टाइम ना मतलब दिखता था ऐसा है नहीं अभी टाइम, और फिर बिल्कुल जबकि जब अंधेरा सा हो जाता है। तो ये सब देखो मैं घी लेके आई थी, घी डाल दिया इनमें और यहीं पर घी का दिया सब जला दिए हैं, और मोमबत्ती लगा दी इधर, ये इधर डुगू पपन लगा दी मोमबत्ती, और बस यहाँ पर लगा दी। अब हम अपने महाराज जी का जो स्वरूप है वहाँ और चलते हैं, वहाँ भी दिया लगा देंगे जो समाधि मतलब उसमें हैं जो कमरे बना रखे हैं ना भाई इधर, तो यहाँ पर लगा रखा है महाराज जी का स्वरूप बड़ा ये वाला, बाकी हटा रखे हैं जब सत्संग वगैरह होता है ना तो लगा देते हैं। तो ये देखो लड़ी वगैरह भी लगा रखी थी यहाँ पे, अंधेरा था तो ज़्यादा कुछ तो भाई मैं बना नहीं पाई, जितना बना उतना बना लिया। स्वामी आगे जिंदे पर जीवे बहुजा।
बार में बार तुर से तुम सदे गुरु दाता सब जीवन के पिकारो रे माता सदे पुर से तुम सदे गुरु दाता सब जीवन के पिकारो रे माता दया दारे अपना कर लीजे पाल दार से नारागी करु विनती दो कर जो अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सतयुग त्रेता का परवीता कौन जानी सबद गीरीता सतयुग त्रेता का परवीता कौन जानी सबद गीरीता कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके सबद पुकारी करु विनती दो कर दो अर्ज सुनो जीव का जय स्वामी जग में आए बसागर से पार लगाए जीव का जय स्वामी जग में आए बसागर से पार लगाए तीन छोड़े चौदा बद दीन सतनाम सत गुरु गत चीन करु विनती दो कर जो अरे सुनो राधा स्वामी मोरी जगमग जोते होते उजियारा नगर होते पर चंद्र नियारा जगमग जोते होते उजियारा नगर सोते पर चंद्र नियारा शेत सिंहासन चतर बिहारे अनंत सुखे आलोके पाऊ सुख धामा चरण शरण दी जो विश्राम करुणी नदी दो कर दोरी बोलो राधा स्वामी नाम बोलो सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान बोलो राधा स्वामी नाम बोलो मोरे बड़े हमने मारे तन पाए धीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है तार छोड़ो जब भी जुबान बोलो प्रभु की कृपा से मिला हमें बोल खजाना है जिसे की कृपा से मिला उसी पर लुटाना है एक पल न जाए खाली जाने में बोलो शाम। और देखिए इधर हम करने लग रहे थे पूजा और हम अपने जो हमारे महाराज जी हैं उनकी भाई शब्द आरती विनती मंगलाचरण जो भी है हम सब वो पूरे सभी पढ़ते हैं। और देखिए इधर शिल्पा को भाई तबीयत में बता रही थी, शिल्पा की तबीयत ख़राब है, वो पेट में दर्द बता रही थी तो उसके पेट में दर्द था, पता नहीं उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको कुछ दिक्कत हो गई थी कि उसने मतलब ये पकौड़े वगैरह खा लिए तो पता नहीं वो उससे हो गया कि फूड पॉइजन हो गया था शायद उसको, तो उसको उल्टी होने लग गई भाई, चार पांच बार उसने उल्टी की और भाई जैसे पानी भी पीती ना तो भी उल्टी आ जाती तो, और उसको दर्द भी बहुत हो रहा था तो वो रोने लग रही थी। तो बस मैं बीच में उसके पास चली गई थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था भी शिल्पा के बिना, पर क्या करे भाई ये देखिए पूजा हो गई है हमारी। पर अचानक से पता नहीं कैसे क्या हुआ उसको, फिर इंजेक्शन लगवाए, फिर इंजेक्शन लगवाने के बाद वो सो गई, ना ही उसने पटाखे छुटाए और ना ही उसने कुछ भी खाया पिया। अगले दिन उसने अपने गोवर्धन वाले दिन अपने पटाखे वगैरह छुटाए थे। और देखिए फिर माँ आ गई थी लक्ष्मी माता गणेश महाराज और मतलब पूजा के सामने यहाँ पर माथा टेकने के लिए, तो यहाँ ले लिया मैंने धूप और टेक लिया माथा और भाई सब्जी हलवा वगैरह सब बना लिए थे। और देखो मैंने जोत के लिए पराठा और हलवा बना दिया था जिससे हमने जोत की है और बस जोत के लिए बनाए थे पराठे, अब मैं बनाऊँगी जा कर के पराठे और भाई सबका आशीर्वाद ले लिया है और अब चलते हैं बना लेते हैं पराठे, सब खाना खाएंगे और सभी बच्चे वगैरह पटाखा छुटाएंगे। डुगू ने ही छुटाए थे, शिल्पा ने कुछ नहीं खाया और मेरा भी मतलब ऐसा हो गया कि भाई बच्चे जब ऐसे करते हैं ना, ना कुछ खाते हैं और ना इतने मन करके ये पटाखे वगैरह लेके ही फिर छुटाए। और अगले दिन तो इसने बस मैं खूब मना करती रही भाई रहने दे फिर भी नहीं मानी, तो चलो इसने अपने अगले दिन छुटा लिए पटाखे वगैरह। और इधर मैं बना रही हूँ तिकूटे वाले पराठे, पराठे सिंपल क्योंकि सब ने बोल दिया था भाई पनीर की सब्जी और पराठे बनाएंगे
ठीक है, मैंने कहा भाई जो कहेंगे वही बना देंगे। पूरी सबने मना कर दिया था कि पूरी नहीं खाएंगे, तो बस ज़्यादा तो पराठे नहीं बने, थोड़े ही बने थे। देखो भाई थोड़ा सा ही आटा था, सबने भाई एक एक दो ही खाए थे, इतना ही खाया जाता है। तो इधर बना लेती हूँ मैं पराठे, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन तो मनाया नहीं जाता, गोवर्धन मनाते तो उनका वीडियो भी बना लेती। तो मिलेंगे फिर एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी सभी को।